नमस्कार मित्रों, शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीटीटी एमडीएसयू में जो आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, जिसको आपको जैसे कॉलेज अलॉटमेंट हो गया और आपको रिपोर्टिंग करवानी है, उसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो वीडियो में चलने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन दबा लेना पीटीटी एमडीएसयू संबंधित पल पल की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। आपको अब मैं आपको जो डॉक्यूमेंट आपको वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो आपको डॉक्यूमेंट है वो बैग चालान की भर्ती ऑनलाइन पेमेंट की रसीद, यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन शुल्क दिया था 5,000 रुपये और जो 22,000 रुपये जो आपने कॉलेज फीस जमा कराई थी उसकी रसीद आपके पास होना अनिवार्य है, वो आपको देना जरूरी है। एक नंबर तो आपकी ये रहा। अब बात करते हैं दो नंबर डॉक्यूमेंट, आवेदन के द्वारा घोषणा पत्र, यानी कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें लास्ट में आपने आवेदक द्वारा घोषणा पत्र भी भरा था उसकी प्रति देना आपको सबसे पहले अनिवार्य है। अब जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो सेकेंडरी समकक्ष की अंक तालिका, यानी 10वीं की मार्कशीट होना आपके पास अनिवार्य है। उसके बाद में 4 नंबर पर 12वीं की या उसके समक्ष आपके पास मार्कशीट होना अनिवार्य है। और अब जो 4 नंबर पर सीनियर सेकेंडरी समकक्ष की अंक तालिका, यानी या तो 12वीं की या फिर उसके समक्ष जो अंक तालिका है वो देना आपको अनिवार्य है। अब स्नातक समकक्ष की प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष की अंक तालिका 5 नंबर पर, तो इसमें स्नातक यानी कि आपने जो बी ए या बी कॉम कर रखा है उसकी 3 वर्ष की अंक तालिका और उनकी एक या दो फोटोकॉपी होना अनिवार्य है। और 6 नंबर जो डॉक्यूमेंट है वो आपको स्नातकोत्तर समकक्ष की अंक तालिका देना आपको अनिवार्य, यानी आपने एम ए पी जी जो भी या उसके समक्ष कर रखी है उसकी 2 वर्ष की जो कर रखी है उसकी अंक तालिका और उसके साथ में फोटोकॉपी होना अनिवार्य। 7 नंबर जो डॉक्यूमेंट है वो मूल निवास प्रमाण पत्र, जिन अभ्यर्थियों ने सेकेंडरी से स्नातक तक की शिक्षा राजस्थान से प्राप्त किया उन्हें मूल निवास की आवश्यकता नहीं होगी, और जिन्होंने राजस्थान से बाहर किए उनके लिए मूल निवास की आवश्यकता होगी। और जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य। इसमें एक विषय पूछना है, जाति प्रमाण पत्र आपका 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 वर्ष के भीतर है तो वो चल जाएगा और नहीं है तो वो जल्दी से जल्दी आप बनवा लें। और अब 9 नंबर जो डॉक्यूमेंट, शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, यदि 40% या इससे अधिक है तो ये आपको शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र देना, जो यदि विकलांग है तो उसका आपको प्रमाण पत्र देना अनिवार्य। 10वां जो डॉक्यूमेंट है वो विधा की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, पूर्ण विवाह नहीं करने का शपथ पत्र, यानी कि जो जैसे कोई भी विधा है उसका मृत्यु, उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और जो उसने पूर्ण विवाह नहीं करने का शपथ पत्र भी होना उसके पास अनिवार्य है। 11 जो डॉक्यूमेंट है वह तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय डिग्री की प्रमाणता प्रतिलिपि एवं पूर्ण विवाह करने का शपथ पत्र, यानी तलाकशुदा हो तो तलाकशुदा का शपथ पत्र होना अनिवार्य है। 12 जो डॉक्यूमेंट है वह सैनिक भूतपूर्व सैनिक या उससे आश्रित होने पर समक्ष अधिकारी जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जाति प्रमाण जारी प्रमाण पत्र होना आपके पास अनिवार्य है। दोस्तों, ये थे आपके आवश्यक जो डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट आप जल्द से जल्द तैयार कर ले और जल्द से जल्द जमा कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।